गोंडा में सपा कार्यकर्ता ओपी सिंह की हत्या के बाद एक्शन में दिखी पुलिस। आपको बताते चलें कि 4 दिन पहले सपा कार्यकर्ता ओपी सिंह की निर्मम हत्या उन्हीं के घर में कर दी गई थी, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकी अभियुक्त फरार चल रहे थे। बीती रात पुलिस की हत्यारोपी से हुई मुठभेड़ में आरोपी रोहित सिंह को लगी गोली। घायल आरोपी का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। परसपुर के नंदौर गांव का निवासी आरोपी रोहित सिंह। थाना परसपुर क्षेत्र के कस्बा परसपुर में ओम प्रकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति की 5 व्यक्तियों द्वारा हत्या कारित कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक नामजद आरोपी को परसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में कल देर रात रोहित सिंह नाम का एक हत्यारोपी बदमाश, जो इस मुकदमे में वांछित था, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने हेतु जब घेराबंदी की गई तो बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। इसके जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में इस बदमाश को गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। परसपुर पुलिस द्वारा प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।